घर परिवार हर आदमी को त्याग दिया। मेरे बच्चे भी मेरे को महाराज गए, मेरी घरवाली है वो बाबा गए। इसी प्रकार की को शराब पीता, ना भांग, ना दतूरा, ना सुल्फा, कुछ नहीं। बगैर नशे के मैं भक्ति करता हूँ। अगर भगवान से मिलना तो किसी नशे के माध्यम से थोड़ी मिला जाएगा। अगर कभी नशा नहीं मिला और भगवान की भक्ति का टाइम हो गया तो मैं तो नशे के चक्कर में घूमता रह जाऊंगा, तो वो समय निकल जाएगा जो अभी समझ लेता हूँ। कई बार थोड़ा सा एग्जांपल दो गुरुजी, किस तरीके से? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी पक्षी आ गया यहाँ बैठ कर, आपने तो काऊ काऊ सुनागा, पक्षी बोल लगा वहाँ रोड पर आदमी ढूंढ रहे आपको। बच्चों का कितना सहयोग है गुरुजी परिवार का? तो मेरी ये भक्ति मेरे परिवार ही खड़ा हो गया करवा है, मेरे बच्चों का ही सहयोग है, वो ही साथ में खड़े हो गए भक्ति करवाते हैं। एक बात और कहते हैं गुरु, जब इस बाबे बन जाए कि बाबे हैं तो मतलब बांग तू रखा करने बैठ जाए हैं, आप नशा पता के बारे में क्या कहना चाहोगे? कईयों कहते हैं कि बाबे का तो अलाउड हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, अलाउड तो किसी का नहीं होता, हर चीज़ का आदमी का अपना विचार होता है। मैंने तो कभी बचपन से कोई नशा नहीं किया, खाली एक बीड़ी पी लेता हूँ, वो तो एक समाज का मतलब एक साधारण सिंपल नशा है। ना मैं किसी प्रकार की को शराब पीता, ना भांग, ना दतूरा, ना सुल्फा, कुछ नहीं। बगैर नशे के मैं भक्ति करता हूँ। अगर भगवान से मिलना तो किसी नशे के माध्यम से थोड़ी मिला जाएगा। अगर कभी नशा नहीं मिला और भगवान की भक्ति का टाइम हो गया तो मैं तो नशे के चक्कर में घूमता रह जाऊँगा, तो वो समय निकल जाएगा जो भगवान की भक्ति का टाइम है। तो गुरु जी, अब कितने दिन हो गए आपने तपस्या कर दे, कितने दिन की और बची है? भाई ये तो हमारे को ताजी भी नहीं पता कि तारीख कितनी है, हम तो अंधाधुंध हो गई लग रही इस कार्य में। कितने दुने की तपस्या चल रही है गुरु जी? ये 31 दुने की तपस्या। और एक दुना में कितने उपले हैं भाई? ये जी हमने 5 से चालू की थी, और तपस्या तो इस तरह डेंजर थी पिछले साल, वो 21 दुने की तपस्या थी। और 51 गोस्या था हमने स्टार्ट करी थी, वो तो मरने का ही काम था हमारा। मैंने हमारे सांस ही थे, इष्ट देव प्रसन्न थे, क्योंकि 2-4 जो साधु संतों ने देख कर बताया, वो बोले कि भाई ये तपस्या आप तो मरने की कर रहे हो, बोले इस तरीके से तपस्या नहीं होती। तब की बार थोड़ा हा विधि विधान से सही अपना बैठे हैं दुने लगा के। इसमें भी विधि विधान हो गुरु जी? देखो जी, जान का डर तो सब को ही रहे है, हम कोई सिद्धियां मिल गई गुरु जी की, मतलब आप इतना कष्ट अपना शरीर न दे रहे हो, तो क्या क्या ऐसा खास है कि मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाए, तो ऐसी कौन सी सिद्धियां आपने? बस यही तो सिद्धियां प्राप्त की हैं कि बस मालिक से मैंने ये कह दिया प्रभु इसको ठीक कर, तो अगली बार वो ठीक हो गई है, अभी ये सिद्धि प्राप्त की मैंने। कौन कौन सी फिर भी गुरु थोड़ा आइडिया दो, मतलब कोई पूछने लायक जाए भाई वहाँ के ठीक हो, कहीं तो भूत प्रेत का तर जावे है वो अलग जगह जाओ गुरु जी? सबसे पहले तो भूत प्रेत की कोई भी मान ले प्रॉब्लम है, घर की कोई भी समस्या है, वो ठीक करूँगा मैं। दूसरी, एक किसी को कैंसर है और चीरा फाड़ी या ना हुई है पहली या दूसरी स्टेज पर, तो उसको भी ठीक कर दूंगा। तीसरी स्टेज की ठीक नहीं होगी तो ये हमारे बाबा का ही आशीर्वाद है, उसका नाम लेके बहुत दे दी, वो ठीक ही हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछूंगी गुरु जी, पता नहीं क्वेश्चन मैंने पूछना चाहिए ना पूछना चाहिए इसमें, क्योंकि मारे भी मीडिया की कुछ सीमाएं हुए हैं, कई कहते हैं कि भूत प्रेत हो, कई कहते हैं नहीं होंगे, आप इस बात ने क्या कहोगे गुरु जी? ऐसा है जी, भूत प्रेत इंसान चलता फिरता ही तो भूत प्रेत है जी। दूसरे का काम बिगाड़ दे तो उसके लिए प्रेत है, बिगड़े हुए काओ को संवार दे तो वो भगवान है जी जी। आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप देख रहे हो बदमाश ने गोली मार दी, भरे हुए परिवार को अंधकार की तरफ भगा दिया, तो उसके लिए तो वो आदमी भूत ही हो गया जी। भूत उसको बोलते हैं जो बीत गया भाई, शिव है, पार्वती है, दुर्गा है, ये सब भूत ही तो है। दूसरी बात भाई, भूत प्रेत की बात है, जिसका समय बुरा होता है ना उसी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जिसका समय अच्छा है वो कुछ भी बोल लो। क्या इन चीजों का मन का भी कोई संबंध है गुरु जी? देखो जी, भक्ति होती है मन से जी। जब आपका मन ही एक चीज में रम जाएगा तो आपको हर चीज दिखाई देंगी। जब आपको भगवान की पूरी सिद्धियां मिल जाएंगी, मैं अपना ही बताता हूँ, मैं पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेता हूँ कई बार। थोड़ा सा एग्जाम्पल दो गुरु जी, किस तरीके? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी पक्षी आ गए यहाँ बैठ कर, आपने तो काऊ काऊ सुनागा, पक्षी बोल लगा वहाँ रोड पर आदमी ढूंढ रहे आपको, तो मैं उठ कर देखूंगा तो आदमी खड़ा मिलेगा, मगर भाई किसको पूछ रहा है कि जी मैं यहाँ भगत था, मगर मैं ही हूँ, आ जाऊँ।
घर बैठा हूँ तो घर भी जाके पक्षी बोल लेंगे, वहाँ आदमी बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप जो ये जो पक्षी बोल रहे हैं यानी कि कोई न कोई बात कह रहे हैं, हाँ, तो वो जो उनका संवाद समझ लेते हो? हाँ जी। आज गुरुजी समाज में देखो अपना अपना का बैरियर और साधु संत तो समाज का उद्धार खतर जाने जावे है, के कहना चाहोगे जो सामाजिक मूल्य वो गिरते जा रहे हैं? देखो जी, हम तो यही कह रहे हैं, समाज को हमारा तो यही संदेश है कि हम एक गृहस्थी होते हुए भी अपने धर्म के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी को मैं तो यही कहता हूँ, गांव में जाओ, अपने जो मंदिर है, अपने देवता हैं, उनको पूजो आस्था से, श्रद्धा से, और समाज में एक दूसरे को भी प्रेम और भाईचारे का ही संदेश दे, हमारा तो यही है संदेश। एक छोटी सी बात और पूछूंगी गुरुदेव लास्ट में, क्योंकि इसमें कमेंट बहुत ज्यादा, हमने पहले वीडियो बनाई है, अक सब तक बढ़िया धंधा बना लिया बैठे बिठाए खान का, यू बाबा बनने का, इस तरह की जो मानसिकता रखा उन्हें क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि इस लाइन में ढोंग भी ज्यादा है जी। लेकिन बाबा बना लिया, मैं तो जो फकीरी रूप है मेरा एक महीने के लिए, उसके बाद मैं नॉर्मल साधारण रूप में रहूंगा। कोई भी आदमी आके, एक भी आदमी ये साबित कर दे कि भाई मैंने ढोंग के माध्यम से किसी को लूट कर खाया है जी, जी। मैं ऐसे हजारों आदमियों का प्रमाण यहाँ ले आकर खड़े कर सकता हूँ जो भूखे मरते हुए आए थे और आज वो फैक्ट्री लगी हुई है, गाड़ियाँ में चल रहे हैं। तो बताओ आप, ये मेरा आश्रम है, ये आश्रम देखो, मैंने 2007 से यहाँ बैठा हुआ, तो मैंने क्या कमाया? अगर मैं यहाँ ढोंग ड्रामा पैसा कमाता तो यहाँ तो सब सुख सुविधा मिलती तो गोरखनाथ जी का सेवक हूँ, मैं गोरखनाथ जी का सेवक हूँ। फकीरी रूप क्या होता है, मतलब एक त्याग जी। तो एक महीने के लिए मैंने अपना परिवार हर आदमी को त्याग दिया, मेरे बच्चे भी मेरे को महाराज गए, मेरी घरवाली है वो बाबा गए, तो इससे बड़ा और क्या त्याग होगा बताओ। गांव के गांव में अपनी बीबी को, अपने बच्चों को कोई बोल के देखो माई, तो आप अपनी घर वाले को माई बोलते गुरुजी? अबे वो माई है मेरे लिए तो और क्या है, घरवाली घरवाली गुस्सा नहीं होती कि किस तरह बोल रहे हैं? शुरू में एक दो बार तो गुस्सा हुई, अब तो उसको आदत पड़ गई, कहां भाई ये महाराज है जी, जी, जी। अपने दर्शकों ने अंत में क्या कहना चाहोगे गुरुजी, जो देखा है बहुत सारे दर्शक तो प्यार प्रेम तो और कहीं यूरा आना भी चाहवा है गुरुजी, क्योंकि देख का वीडियो फिर मन है वो फोन कर कर पूछेंगे गुरुजी कि कहाँ पता मिला गुरुदेव के, कहाँ दर्शन हुआ। ऐसा है, कोई भी आदमी आओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आए जी, सट्टे के नंबर के लिए नहीं आए, ना मेरे पास फोन करे, या जो मैं दिन रात तपस्या कर रहा हूँ वो नास्तिक आदमियों के लिए नहीं कर रहा, मैं एक मजबूर आदमी की सहायता करूँगा, ना कि मस्टंडों की। तो वीडियो आपने देखो सारी देख ली है, गुरुदेव का साफ साफ कहना है कि जरूरी नहीं है कि घर गृहस्थी त्याग का या भक्ति मार्ग पर चलो, घर गृहस्थी में रंधे आने अपना मन न शुद्ध करके और आप भक्ति कर लो, कहीं बैठ कर लो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। बाकी आज की मेरी ये वीडियो सप्ताह 8 का थी, क्योंकि ऐसे गृहस्थ आश्रम में रंधे होने भक्ति मार्ग पर जाना, दो दो तीन तीन सरकारी नौकरी छोड़कर जी आपको और बताता हूँ, हमारे पास यहाँ समालका के अंदर एक गाँव है हथवाड़ा, वहाँ का एक लड़का आ गया, ये सन तो मेरे को ध्यान नहीं, 15 या 16 की बात होगी, लड़के की उम्र थी 12 या 13 साल जी। तो वो 10 महीने से तीनों टाइम रोटी खा रहा है जी। और वो टट्टी नहीं जा रहा है, उसने धरती पे कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जहाँ किसी ने उसको बताया वहीं गया जी। तो आज वो गांव वो आदमी वहाँ है, जाकर कोई भी पूछ सकता है कि भाई मैंने उससे जो एक भी पैसा लिया हो तो आपके पास आया था गुरुजी, तो बाबा की कृपा से आज वो बच्चा ठीक ठाक कर रहा, नहीं तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कब आया था गुरुजी आपके पास? 2015 या 16 के आसपास की, पूरी गारंटी नहीं दे सकता मैं। तो मतलब कितने दिन बाद ठीक हो गया फिर? वो ज्यादा ज्यादा 2 महीने के बाद वो नॉर टट्टी करने लग गया था। हाँ जी, नहीं तो 10 महीने से वो तीनों टाइम भोजन कर रहा है और वो टट्टी नहीं जा रहा था। आपके गाँव का था कोशुर जी। संसार का एक नियम है जी। अगर आप मेरे से कुछ लेओगे तो आपने बदले में कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप दुकान के अंदर गए तो आपने कमीज ली जी। तो वो फ्री में लेके चले जाओगे आप जी, जी, जी। तो पैसे तो उसको भी देने पड़ेंगे कमीज के जी। पहले आराम जी।
मैं पहले आराम दिखाता हूँ। आदमी मांगने जाता है या तो माँ बाप से या भगवान से जी। और वो मेरे पास मांगने ही आया जी। तो या तो मैं उसके लिए माँ बाप हूँ या भगवान हूँ, तो मैं क्या मांगूंगा उससे? मैं तो पहले उसका काम चलाऊंगा। तो सब कुछ त्याग कर संसार की भलाई खातर बैठे हैं, उनके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।